उत्तराखंड प्राइम, मैं हूं आपके साथ निशा गौतम। उत्तराखंड में किसानों की हालत को सुधारने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने एक नया फैसला लिया है। दरअसल रिवॉल्विंग फंड के जरिए अब किसान सीधे सीधे मंडी समितियों के संपर्क में रहेंगे और अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। हालांकि इस नियम को लेकर कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने कई किसानों के लिए नियम कानून बनाए लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या रिवॉल्विंग फंड के जरिए किसानों की स्थिति में कितना सुधार हो पाता है या नहीं। तो उत्तराखंड प्राइम में इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में किसानों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। राज्य में अब तक आर्थिक तंगी से परेशान होकर करीब 9 किसानों ने आत्महत्या कर ली। वहीं इस माली हालत से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक नया फैसला लिया है। आखिर क्या है ये फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसान कर्ज के बोझ तले इतना दब चुका है कि उसकी लगभग 3 पीढ़ियां भी कर्ज नहीं चुका सकती। राज्य सरकार भी इस हाल में नहीं है कि वो किसानों का 20,000 करोड़ का रुपया माफ कर दे। लेकिन लगातार किसानों की माली हालत और उनकी मेहनत के उत्पादों का उचित मूल्य न मिलने पर अब सरकार ने एक कदम उठाया है। ये कदम है रिवॉल्विंग फंड का, जिसके तहत अब मंडी समितियां सीधा किसानों से उत्पाद खरीदेंगी और उनको एक मार्केट भी उपलब्ध करवाएंगी। जो हमारी ये कोल्ड स्टोरेज इसमें बनेंगे, इसमें सीधे अपना माल ले आएंगे। जो अगर सड़ भी जाएगा माल इनका, तो हमारे कोल्ड स्टोरेज में आएगा, उससे उनको सुविधा मिलेगी। साथ में उनकी जो जैसे अदरक है, अदरक वो लाएंगे वहाँ हमारे कोल्ड स्टोरेज में रहेंगे, तो उसको बेचेंगे भी, तो उसमें 10% सब्सिडी का प्रावधान करीबन रहता है। गवर्नमेंट 10% सब्सिडी इनको प्राप्त कराती है। और ये जो कोल्ड स्टोरेज हमारी नई टेक्नोलॉजी की, तो जिससे कि इसमें ज़्यादा सुविधा है जी। और साथ में किसानों को लिए यह है कि किसान अगर वहाँ अपना माल रखेंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, बाहर के लोग आएंगे। जब बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर होटल भी बनेंगे। होटल बनेंगे तो एक रोजगार भी मिलेगा उनको, होटल को मिलेगा, जनता को रोजगार मिलेगा। बताते हैं आपको कि क्या है रिवॉल्विंग फंड। सरकार ने शुरू की 100 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की कवायद। प्रदेश भर की 23 मंडी समिति को करना होगा वार्षिक आय का 10% जमा। सालाना 10 करोड़ रुपए का फंड होगा एकत्र। विपणन बोर्ड किसानों से खरीद कर करवाएगा बाजार मुहैया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिल सके, इसके लिए रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। कृषि बोर्ड ने भी इस फंड के लिए हरी झंडी दे दी है। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बहुत से बोर्ड बनाए गए, पारित हुए, लेकिन हालात नहीं बदले। देसी कहावत है, जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। अभी ये प्रस्ताव होते रहेंगे, बोर्ड में मीटिंगें होती रहेंगी, कैबिनेट की बैठकें होती रहेंगी, सरकार दावे करती रहेगी, घोषणाएं करती रहेगी, कुछ हो जाए तब उसके बाद बताएंगे कि कुछ हुआ। राज्य सरकार की ये एक अच्छी पहल है, जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा और बिचौलियों से भी किसानों को निजात मिलेगी। लेकिन अभी ये प्रक्रिया कब धरातल पर उतरेगी, ये देखने वाली अहम बात होगी। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से पूर्णिमा मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में किसानों की हालत कैसी है, किसानों के हालात किस तरह से हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। किसान लगातार कर्ज के तले दबे जा रहे हैं। हालांकि अब सरकार ने फैसला किया है कि जो किसान हैं उनकी हालत में सुधार किया जाए और सरकार ने नया फैसला लिया है रिवॉल्विंग फंड का। इसके जरिए सरकार किसानों की जो माली हालत है उसे सुधारने का प्रयास करेगी। सरकार ने शुरू की 100 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की कवायद शुरू की है। सरकार ने 23 मंडी समिति का
करना होगा वार्षिक आय का 10% जमा, सालाना 10 करोड़ रुपए का फंड होगा एकत्र। वहीं आपको बता दें कि विपणन बोर्ड किसानों से खरीद कर करवाएगा बाजार मुहैया। हालांकि अब जो किसान है वो सीधे सीधे अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, इसमें बिचौलियों से निजात मिलेगी किसानों को। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हमारी संवाददाता पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूर्णिमा, आपसे जानना चाहूंगे सरकार का जो नया फैसला है उस फैसले के जरिए किसानों को राहत मिलेगी या फिर आफत देखने को मिलेगी? बिल्कुल निशा, क्योंकि अभी फिलहाल जिस हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छी एक स्कीम निकाली है जिसके तहत किसानों की जो आर्थिकी है, जो स्थिति है जिससे लगातार किसान परेशान होकर आत्महत्या करने को विवश हैं, उसे कहीं हद तक ऐसा संभावना है कि इससे राहत मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से कहा गया है कि अभी ये अभी धरातल पर आना इसका अभी जारी है, अभी आएगा, देखने वाली बात होगी कि इससे ये किसानों के लिए आफत बनेगी या राहत देगा। क्योंकि जो रिवॉल्विंग फंड है उसको सबसे पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि जो ये फंड है उसके तहत जो उत्तराखंड में जितनी भी 28 समितियां हैं उनके तहत जो उनका सालाना आय है उसका 10% इसमें जमा होगा, जिससे कि 10 साल का टारगेट रखा गया है जिससे कि 100 करोड़ का अनुमान है, जिससे कि किसानों से सीधा मंडी समितियां हैं वो डायरेक्टली उनसे उत्पाद खरीदेंगी, ताकि एक तो उनको मार्केट उपलब्ध करवाया जा सके और दूसरा इसमें छोटी बड़ी चीजें हैं जैसे कि सब्जी वगैरह तो होंगी ही, लेकिन जो गढ़वाल भर में जो फेमस चीजें हैं कोदा, झुंगरा, मंडुआ, ये सब इनको भी मार्केट दिया जाएगा ताकि किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। जी निशा, लेकिन पूर्णिमा सवाल खड़ा होता है सरकार की योजनाओं पर। सरकार योजनाएं तो शुरू कर देती है, फैसले तो ले लेती है, लेकिन असल में देखा जाए तो सरकार की ये फैसले धरातल पर कभी भी उतरते हुए नजर नहीं आते, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है इनकी। बिल्कुल, अभी हाल ही में कुछ मुद्दों पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे निर्णय हैं सरकार के जो केवल अभी हवा हवाई साबित हो रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी का मुद्दा हो या अम्ब्रेला एक्ट का मुद्दा हो, अभी तक भी धरातल पर नहीं उतरा है। लेकिन अभी रिवॉल्विंग फंड की अगर हम बात करें तो इसके लिए मंडी बोर्ड ने इसको हरी झंडी दे दी है, ऊपर आपका समिति के द्वारा भी इसको हरी झंडी मिल चुकी है, समितियां भी तैयार हैं कृषकों की जो आर्थिकी को सुधार करने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से काम करना चाह रही है उसको वो पूरे तरीके से अंजाम तक पहुंचा पाती है या नहीं, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद राजेंद्र जी। क्या लगता है आपको, जो त्रिवेंद्र सरकार का ये रिवॉल्विंग फंड है जिसके जरिए किसानों की हालत सुधारी जाएगी, सच में किसानों की हालत सुधर पाएगी या नहीं? देखिए, इनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जाए। इन्होंने चुनाव के दौरान 2014 में, चाहे आप देश का चुनाव हो चाहे 2017 में उत्तराखंड का चुनाव रहा हो, इन्होंने लगातार जो वादे किए उस एक वादे पर ये खरा नहीं उतरे। इन्होंने उत्तराखंड के किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी और उसके बाद कर्जा माफ करने की बात करने के बाद डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जिस तरह से इन्होंने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो अब इन पर विश्वास कैसे किया जाएगा कि आप रिवॉल्विंग फंड बना के जो है ये लगातार जनता को बेवकूफ बनाने की बात है। कुछ नहीं है, देश के लोगों को जनता को बेवकूफ बनाया और देश में सरकार बनाई, उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ बनाया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उत्तराखंड में सरकार बनाई, ये कहा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो आज 1.25 साल होने वाला है, कहीं भी उस डबल इंजन का ये नहीं पता लग रहा है कि वो कहाँ खड़ा है। उत्तराखंड के 51,125 वर्ग किलोमीटर में खड़ा है, वो दिल्ली चला गया, तो इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो विश्वास नहीं किया जा सकता। पूर्णिमा, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही ना, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार ने सत्ता में आते ही ये कह दिया था कि भाई हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते क्योंकि इतना उनके पास बजट ही नहीं है, इतना सोर्स ही नहीं है, तो फिर अब ये रिवॉल्विंग फंड किस लिए? बिल्कुल निशा, ये बात बिल्कुल सच है कि जो जनता से वायदे किए गए थे वो पूर्ण तरीके से अभी तक सरकार निभा नहीं पाई है, इसीलिए जनता में समय समय पर आक्रोश भी देखा जा रहा है। वो पानी की समस्या ही अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं, तो अभी देश का
उत्तराखंड का विकास की बात तो अभी कुछ दूर ही नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से बीच में मंत्री प्रकाश पंत जी ने भी एक बयान दिया था, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता में आए तब उन्होंने कहा था कि हम लोग किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 20,000 करोड़ का जितनी बड़ी लागत है, उत्तराखंड राज्य खुद इस स्थिति में नहीं है कि वो कर्जा माफ करे। लेकिन यहाँ पर निशा मैं कहना चाहूंगी कि ये छोटी सी पहल है लेकिन बहुत ही ठीक है, अच्छी है, क्योंकि जिस हिसाब से किसानों की स्थिति जो अभी यहाँ पर पहल तो अच्छी है पूर्णिमा, लेकिन कारगर साबित होगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। वीरेंद्र जी सरकार के फैसले का स्वागत तो हो रहा है, सरकार के फैसले जो है पहल है वो अच्छी है, लेकिन क्या ये पहल कारगर साबित होगी, किसानों की हालत सच में सुधर पाएगी या नहीं? हमारी सरकार जो भी फैसला लेती है वो फैसला बहुत दिव्य शक्ति के साथ में लिया जाता है, नेक नियत से लिया जाने वाला फैसला होता है, और किसानों के लिए निश्चित रूप से हम कुछ करना चाहते हैं, उनको समर्थन करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनकी जो आजीविका है उसको बढ़ाने के लिए सरकार समय समय पर प्रयास भी कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने एक वचनबद्धता प्रदेश की जनता के साथ निभाई थी कि हम किसानों का संरक्षण करेंगे, समर्थन करेंगे, उनको मजबूत करेंगे, उनकी आजीविका को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन कर्ज माफ नहीं करेंगे। हाँ देखिए, जो बात हमने कहा है, हमने चोरी छुपे तो चुपचाप से नहीं कही है, ओपनली हमने अनाउंस किया है कि हम कर्ज माफी के की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ है, क्योंकि उससे जो किसान है वो कमजोर होता है। हमने किसानों को मजबूत और सशक्त करने के लिए 1,00,000 रुपए का ऋण सिर्फ 2% पर देने का काम किया है, और उत्तराखंड राज्य के ऐसे किसानों को देने का काम किया है जिनके लिए अपनी आवश्यक रोजमर्रा की चीजें थी उसके लिए वो बहुत परेशान थे, उनको दिक्कतें हो रही थी, उस 1,00,000 ऋण का किसानों को लाभ भी मिला है और देखने को मिल रहा है। अभी जो त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने जो अपनी फैसला लिया है कि रिवॉल्विंग फंड का, तो ये निश्चित रूप से रिवॉल्विंग फंड जो है उनके लिए फंड की व्यवस्था करके उनके जो है हक हकों के, उनकी आजीविका बढ़ाने की, उनके समर्थन और संरक्षण करने का ये कारगर साबित होगा। हम किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं। एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से किसान और जो मंडियां होती हैं, सीधे किसान मंडियों में अपने उत्पाद को नहीं बेच पाते हैं, बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों की जो इनकम होती है, किसानों की जो कमाई होती है उसे खा जाते हैं, क्या यहाँ पर बिचौलियों से निजात मिल पाएगी किसानों को? हम किसी भी सरकार के बिचौलियों को बीच में नहीं रखने वाले हैं, हम डायरेक्ट किसानों के साथ संवाद स्थापित करके डायरेक्ट उनके साथ जुड़कर हमारा जो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड है हम उसके माध्यम से भी किसानों के उत्पादकों को, और जो हमारी किसान मंडियां हैं वो मंडियां डायरेक्ट किसानों को उनका संरक्षण और समर्थन करके उनके उत्पादन को मंडियों में लाएगी। अब ये नहीं कि किसान जा रहा है, किसान वहां खड़ा है, किसान का माल वहां पड़ गया, सड़ रहा है। अब हमने ये व्यवस्था करी है कि जो हमारा मंडी समितियां हैं वो मंडी समितियां किसान के द्वार जाके उसकी उपज को खरीद के लेके आएंगी। तो इसलिए हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, हम किसान को सबल और मजबूत करना चाहते हैं। हम जिस इच्छा शक्ति के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं उसका नतीजा भी सामने को देखने को मिल रहा है। हम किसानों के चेहरे पे खुशहाली लाना चाहते हैं। वीरेंद्र जी कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे कि स्कूलों में कहा गया था कि सभी स्कूलों में, प्राइवेट सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी, लेकिन नया सत्र शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक सभी बाजारों में भी एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि इसी तरीके से ये भी रिवॉल्विंग फंड किसानों की स्थिति को और बदहाल कर दे? मैडम देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की हमारी नीयत होती है, लेकिन अधिकारियों की वजह से तो नहीं, पलीता लग जाता है ना योजनाओं पर, फैसलों पर। तो हम अधिकारियों को भी कार्यप्रणाली को सुधार करने का भी तो काम कर रहे हैं, उनकी हम कार्यप्रणाली को सुधार भी रहे हैं, उनको हम दंडित करने का भी काम कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह भी कर रहे हैं कि आपको सरकार की मंशा के अनुसार जो निर्णय लिए गए हैं उसका पालन करना है। अगर कोई शिथिलता बरत रहा है, कोई अगर उसको नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे भी, हमने उनको आगे अग्रस्तारित भी किया है। लेकिन हमारी जो एक बात आपको जरूर इसका सोचनी पड़ेगी कि हम नेक नियत से काम करने वाले लोग हैं, हमारे मंत्री, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी
लगातार जो भी निर्णय करते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसका पालन करने के लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। कोई लो पोल्स ना हो, कोई बीच में मेडिटर ना हो, कोई बीच में बिचौलिया ना हो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और एनसीईआरटी की जहां तक आपने प्रश्न किया, हम उनकी किताबों को पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश से भी खरीदने की बात कर रहे हैं। हम जुलाई तक हर विद्यालय में किसी बच्चे को किताबों की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, सरकार उसकी पूरी व्यवस्था कर रही है। राजेंद्र जी, बहुत सी योजनाएं होती हैं जो आती हैं चली जाती हैं, ऐसे में किसानों के लिए भी काफी योजनाओं की बात कही जाती है, कर्ज माफी की बात कही जाती है। सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूं मैं, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत जगह ऐसी चीजें देखने को मिले, ऐसे फैसले देखने को मिले, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, तमाम ऐसी योजनाएं देखने को मिली हैं जो धरातल पर कभी उतर ही नहीं पाती। क्या लगता है आपको, त्रिवेंद्र सरकार की ये योजना धरातल पर उतर पाएगी? जरूर देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं ये कहना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र रावत जी जो फैसला लेते हैं, कौन से फैसले लिए उन्होंने? मैं एक सवाल मेरा है कि आपने फैसला लिया कि हम शराब की दुकानों को धीरे धीरे बंद करेंगे, 1800 करोड़ के राजस्व का आपने कहा हम 2300 करोड़ बनाएंगे, तो दुकानें कम करेंगे या बढ़ाएंगे? उसके बाद आपने कहा चुनाव में कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, मात्र 10,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड के किसानों का, तो क्यों नहीं दिया? ये यू टर्न लेती है सरकार बार बार और नए नए सिगुफे छोड़ती है। इनका जनता के बुनियादी सवालों से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये 4 साल इनके केंद्र में पूरे हो गए, पूरा देश देख रहा है कि अच्छे दिन 15 लाख कहां गए, 2 करोड़ रोजगार कहां गए बेरोजगार नौजवानों के लिए। और इस उत्तराखंड में जो जो बातें भाजपा ने कही है, एक भी बात पर अगर वो एक साल में कहीं से खरा उतर पाई हो, पहले आप उनको देखिए, लाने के लक्षण पालने में लोगों ने देख लिया है इनको, ये कुछ करते नहीं है, सिर्फ बोलते बोलते। अभी मैं धीरेन्द्र भाई की बात थोड़े बड़े प्यार से कह रहे थे कि हम लोग बड़े मजबूती से, भैया फैसला लिया कौन सा है, वो एक फैसला तो बताइए आप एक साल में जो आपने लिया हो। आपने विधानसभा के अंदर जो है कह दिया कि हम जो है उसकी NH-74 की जांच करवाएंगे, सीबीआई जांच, और दो दो बार कहने के बाद आपने विधानसभा में कहने के बाद भी आप बैक आउट हो गए अपने आप ही। लोकपाल पर आपने अपने आप जो है विधानसभा में जो है, ये पहला जो मेरी जानकारी में है कि देश में पहला ऐसा मुद्दा हुआ होगा कि सरकार सत्ता में है और सत्ता में जो सरकार है वो जो है प्रबल समिति को सौंप रही है। बताइए, मतलब विपक्ष सौंपता है किसी भी उसको प्रबल समिति को, सरकार खुद प्रबल समिति को सौंप रही है कि प्रबल समिति को सौंप दिया जाए, उसके बाद लोकपाल पर चर्चा होगी। तो ये तमाम चीजें हैं, इन मुद्दों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, भाजपा को लोग पहचान गए हैं। दिल्ली में थोड़ा सा ये था कि लगातार ये 60 साल कहते थे, लेकिन अब जनता को पता लग गया कि 60 साल में और 4 साल में कहा इन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन एक भी चीज की शुरुआत न तो 4 साल में वहां हुई है अभी तक, और ना 1 साल से ऊपर यहाँ हो गया उत्तराखंड में हुई है। तो कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं। पूर्णिमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है, लेकिन किसानों की प्रतिक्रिया क्या है वहां पर? अभी एक तो जिस हिसाब से अभी ये योजना है केवल अभी सरकारी स्तर पर है, इसको लेकर जब तक इसको लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, किसानों तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक इसका असर और फायदा भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी किसानों को अभी सरकारी तौर पर इस पर पूरी प्रक्रिया चल रही है, अभी तक किसानों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि किन किन उस पर सरकार हमारे लिए काम कर रही है, यहाँ पर यह कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आने वाले समय में है इसका फायदा देखने को भी मिल सकता है। और यह योजना, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि योजना तो बनाई जा रही है, लेकिन क्या ये अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर अभी पैदा हुआ है। जी निशा, पूर्णिमा क्या लगता है, निकाय चुनाव नजदीक है इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है किसानों को लुभाने के लिए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से 2019 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, एक तरफ बूथ स्तर पर सभी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले भी कहा था कि हम किसानों को लेकर वचनबद्ध है और इस किसानों के लिए कुछ भी कार्य करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से लगातार उनकी बेरुखी किसानों के लिए देखी जा रही थी, अब इस तरीके का जो फैसला लिया गया है उस पर यही होगा कि जो एक सवाल यहाँ पर यह भी हो रहा है कि
क्या ये लोकसभा चुनाव के लिए ही लिया गया है, क्योंकि किसानों की जो समस्या है वो बहुत पहले से है, पहले से ही सरकारों को उनके लिए सचेत होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही बहुत वादे करती है, दोनों के टाइम पे ही किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं, लेकिन अभी तक भी जो ये मुद्दा है वो बरकरार है, मुद्दा काफी बरकरार है। पूर्णिमा, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कृषि बोर्ड रुद्रपुर से डिप्टी डायरेक्टर बीएस चालेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बीएस जी, जिस तरह से आपने भी देखा, हमने भी देखा, किसानों का जो हंगामा है, प्रदर्शन है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। किसान परेशान है क्योंकि उन्हें उनके उत्पाद की कीमत नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से किसान काफी परेशान है, हताश है, आत्महत्या कर रहे हैं, अब सरकार ने फैसला लिया है रिवॉल्विंग फंड का, इसके जरिए किसानों की हालत सुधारी जाएगी। क्या किसान इस बात से सहमत है कि वो सरकार की इस फैसले का स्वागत करते हैं या सरकार पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदर्शन देखने को मिले उसके बाद तो किसानों की जो मांग है वो लगातार बढ़ गई है। एक्चुअली किसानों को ये आय दुगुनी करने के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसी प्रकार से उत्तराखंड का भी, उत्तराखंड मंडी बोर्ड ने भी उनके सपने को साकार करने के लिए रिवॉल्विंग फंड एक बनाया है जिसमें 10 करोड़ की धनराशि है, जिसमें से 5 करोड़ मंडी बोर्ड खुद करेगी, उत्तराखंड मंडी बोर्ड, और 5 करोड़ रुपया उद्यान विभाग से के सहयोग से इसमें लिया जा रहा है। और इस रिवॉल्विंग फंड से जो है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में या प्लेन के क्षेत्र में जो भी किसान है उनके उपज को लेके, जैसे हमारे यहाँ पे जो है इंडिया का नंबर 2 में अभी है या इंडिया का नंबर 1 में जो मल्टीग्रेन प्रोसेसिंग यूनिट हमारे यहाँ है, उसमें जैविक, मैक्सिमम जैविक उत्पाद का यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा। इसके साथ ही 21 करोड़ का जो है नोएडा में कोल्ड स्टोर, और जितने किसानों का जो मटेरियल है, कैश क्रॉप है या और ये है खाद्यान्न है, जो उनकी उपज है उसको कहा जाए तो किसानों को फायदा होने वाला है। हाँ, इससे किसानों को ये फायदा होगा, एक तो उनके उनका जो भी पैदावार है उसको कोल्ड स्टोर में रख पाएंगे, उसकी अच्छी कीमत समय आने पर वो ले पाएंगे। साथ ही जो रिवॉल्विंग फंड से जो हम लोग प्रोसेस करने के बाद इनके उपज को जो हम अच्छी कीमतों में बेचेंगे, उसका जो भी फायदा होगा उसका अंश जो है किसानों को भी बोनस के रूप में दिया जाएगा। और ये जो हमारा रिवॉल्विंग का फंड का जो पैसा है वो हमारे विकास और अंशदान जो मंडी समितियों से आता है, और हमारा जो विकास है उसी में से हम लोग 10% निकाल के इसमें रखेंगे, जिससे ये रिवॉल्विंग फंड तैयार होगा। और जैसे जैसे रिवॉल्विंग फंड का यूज होता जाएगा, उसका जो पैसा आएगा वो हम अपने कोष को वापस करेंगे, और जो फायदा होगा वो हम किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। किसानों के अच्छी कीमत के साथ साथ जो किसान अच्छा इसमें करता है उनके लिए हम प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं और कुछ उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए राशि भी हम उनको उपलब्ध कराएं। वीरेंद्र जी, हम मानकर चलें कि अब किसान परेशान नहीं होंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों के साथ है सरकार। तो शायद उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हालांकि बीएस चालेल जी, आपसे जानना चाहूंगे, क्या हम ये मानकर चलें कि अब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? जब उनको आत्महत्या तभी करता है जब उनकी उपज का कीमत नहीं मिलता या उनके फसल को कोई नुकसान होता है, क्योंकि जब बारिश है, धूप है, इससे बचने के लिए उनके पास कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ये जो नई योजना के अंतर्गत जो कोल्ड स्टोर बना रहे हैं, जो उनकी उसको अच्छा कीमत उपलब्ध करा रहे हैं, ये सब उनके फायदे के लिए। जब उनको फायदा होगा तो आत्महत्या क्यों करेगा? तो किसानों को फायदा होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन सवाल खड़ा होता है, क्या रिवॉल्विंग फंड उत्तराखंड सरकार का फैसला है, अहम फैसला है, अच्छी पहल है, क्या ये किसानों की हालत को सुधार पाएगा या नहीं? क्योंकि फैसले बहुत सारे सरकार ने लिए, बहुत सी योजनाएं आई चली गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है और कैसी नजर आती है ये सबने देखा है। लेकिन सरकार का रिवॉल्विंग फंड किसानों की हालत को सुधार पाएगा या नहीं, उत्तराखंड प्राइम में आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। और आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.
आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।